जीते तुम्हारा दोस्त है ना, इसलिए जीते को मेरी तानिया को अपनाने के लिए तुम्हें उसे राजी करना पड़ेगा। दुनिया में लॉस्ट रहती हो तुम? हाँ, कांट यू सी कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस खराब कर दी तुमने? ओह, वैसे तुम्हें कहाँ से पता होगा, क्योंकि जहाँ से तुम आती हो वहाँ पे लोग तो सेल में कपड़े खरीदते हैं, नहीं? तानिया, कैसे बात कर रही हो तुम हीर से? But they look in my dress. तुम हर बार हीर से ऐसे रूडली नहीं बात कर सकती। वो बेचारी तुम्हारे लिए कितना कुछ करने जा रही है और तुम हो के इस पे बरस रही हो। हीर ने कहा है कि वो तुम्हें और जीते को मिलाने में हमारी मदद करेगी, है ना ही? अब अगर हीर दोस्ती का एक कदम बढ़ा रही है तो तुम्हें भी उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम सच में मुझे और जीते को एक कराने में हमारी हेल्प कर रही हो? वक्त लगेगा, कोशिश जरूर करूंगी। हीर, मेरे पास एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। जैसे तुमने मेरी और जनरल की डिनर डेट सेटअप की थी ना, उसी तरह हम तानिया को और जीते को एक डिनर डेट पे भेज देते हैं। इसी बहाने तानिया को जीते से अपनी दिल की बात बोलने का मौका मिल जाएगा। पर दी, वो मुझसे ऑलरेडी बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है। व्हाट इफ अगर वो गुस्सा हो गया तो? तू क्यों टेंशन ले रही है? हीर ने कहा है ना कि वो हेल्प करेगी, और मुझे पूरा भरोसा है हीर जीते को मना लेगी, और जीता वो हीर की बात कभी नहीं टालेगा, है ना? सच में लगता है मुझे हीर पे ट्रस्ट करना चाहिए? वैसे भी मुझसे बहुत हेट करती है, कहीं काम बनाने की वजह वो बिगाड़ ना दे। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तानिया, भरोसे पे दुनिया कायम है, और थोड़ा बहुत भरोसा तो तुम्हें हीर पे करना ही पड़ेगा। वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, तुम जानती हो ना कि मैं उससे कितनी नाराज थी, और मैंने उसे एक ही शर्त में माफ किया है कि वो तुम्हें और जीते को मिलाने में हमारी मदद करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है ये जीते को मना लेगी। वो जट जीता और तानिया भले ही एक हो जाए, लेकिन मैं अपनी दोनों बहुओं को फिर से एक कभी नहीं होने दूंगी। इस बार दोनों बहुओं में ऐसी गलत फहमी पैदा करूंगी कि माफी दी गुंजाइश ही नहीं बचेगी। जीते तुम्हारा दोस्त है ना, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, इसलिए जीते को मेरी तानिया को अपनाने के लिए तुम्हें उसे राजी करना पड़ेगा। और एक बात मत भूल हीर, जब तेरे सपनों के राजकुमार के चेहरे का नकाब उतरा था ना, उस चेहरे में तुझे जीते का चेहरा दिखाई दिया था। मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ,
सपनों के राजकुमार का मैं सालों से इंतजार कर रही थी। मेरे साथ ही था, मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना कुछ रिश्तों का रकम नसीब होता है। काश मैंने तेरे चेहरे से नकाब पहले ही हटा लिया होता। सामान ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, अगर जीता ये देखेगा फिर चिड़चिड़ करने लगेगा। लेकिन खुद को भी समझना चाहिए ना, जिस बंदे को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है वो ऐसे सामान खुला कैसे रख सकता है। हीर जी, तो आप मेरा सामान समेट रही थी। तू ऐसे सामान खुला रख के क्यों चला गया था? और जानबूझ के हीर जी, बस इसी उम्मीद में कि शायद फिर से पिछले दिनों की तरह वो आपसे थोड़ी डांट ही मिल जाए। वो क्या है ना, वो आपका चेहरा जब ऐसे गुस्से में होता है ना तो आप और ज्यादा सुंदर लगती हैं। तू मुझसे काम करवाने के लिए मक्खन लगा रहा है ना? अब तू आ गया है ना, अपना सामान खुद ही समेट, मैं जा। ओ हीर जी, जो काम शुरू किया उसे आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हो गया है तुझे? तुझे तो अपना काम खुद करने की आदत है ना, और वैसे भी तेरा रूम साफ करने के अलावा मेरे पास और बहुत काम। ओ हीर जी, ओ दो मिनट बात तो सुन के जाओ। और रीना जी बता रही थी कि आप मुझे ढूंढ रही थी, वो आपको कोई बात करनी थी मुझसे। तुम्हें अब अपने जीते को मेरी तानिया का बनाना है। हीर जी, वो बताइए ना क्यों ढूंढ रही थी आप मुझे? कितने सवाल पूछ रहा है, लॉयर बनने का शौक है? तू ना अपना काम खुद कर। झुमका, इसका दूसरा झुमका कहीं घूम गया था, मैं कब से ढूंढ रही थी इसे। थैंक गॉड मिल गया। ये यहाँ कैसे आया? बोलना, कैसे आया? इस बॉक्स में था क्या? मैं ना अभी बॉक्स देखने। ओ हीर जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बॉक्स में कैसे आएगा? वो तो बाहर गिरा पड़ा मिला था मुझे, पता नहीं किसका था इसलिए अंदर ला के रख दिया। ठीक है, चल मिल गया ना, मैं इसे लेकर जाती हूँ। तो क्या ही करेगा इसका? हाँ जी। जीते? हाँ जी। तो एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। तू कभी मुझसे कुछ छुपाता नहीं है ना?
अचानक ऐसा सवाल क्यों? सवाल के जवाब में सवाल मत दिया कर, चुपचाप बता मुझे क्या कोई बात है तेरे दिल में जो तूने मुझे बताई ना हो। मुहिर जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप पूछना क्या चाहती हैं? मतलब कोई भी जिसे तू पसंद करता हो, तूने मुझे बताया ना हो, कोई तेरे दिल में हो, कोई भी, कोई है या नहीं? पसंद तो आप सालों से है हीर जी, काश आपको बताने की हिम्मत भी होती तो शायद आज हमारी जिंदगी की राहें जुदा नहीं होती। बोलना, क्या हुआ? ओ नहीं हीर जी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता हूं, हमेशा आपको हर बात बताई है। हर दुआ में तेनू मंगदा रब्बा जानदा, रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। अंग्रेजी में गॉड गॉड वही कहते हैं ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इंग्लिश टीचर बन सकती हूँ। नहीं नहीं तानिया जी, जिससे जाना नहीं उसकी भाषा सीख के क्या करना हमने, है ना। पर मैं तो तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। मुझे क्यों, मेरे पता मेरे साथ क्यों घूमना जी? वैसे भी ना पिंड के ना बड़े बूढ़ों ने कहा है कि प्राय मर्द के साथ ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। अब तुम पराए कहाँ रहे हो? ताने जी, वो मेरी ना आपकी बातें वो कुछ समझ में नहीं आ रही है। ओ, आया अंकल जी, वो आ गया, अंकल जी बुला रहे हैं। लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं है। आंखें बंद करो। इसका मतलब तुमने जीते से बात नहीं की। अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो ये ड्रामा क्यों कर रही हो? अनिया, थोड़ा वक्त लगेगा और मैं कल उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि बहुत देर हो गई थी, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं बात करूंगा। कब मिलेगा मौका? हाँ, टीवी में पूरी रात डेट की प्लानिंग कर रही थी। यू नो दी, अगर मुझे जीता नहीं मिला तो मैं क्या कर लूंगी? तो तुम्हारी डेट जरूर होगी, आई प्रॉमिस। मुझे नहीं लगता होगी। तानिया, मैं नहीं चाहती कि तानिया जिद पर आ जाए, क्योंकि उसकी जिद का नतीजा क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए प्लीज कुछ भी करो, मतलब ऐसा कुछ करो कि जीता और तानिया दोनों डेट पर चले जाए, प्लीज। हाँ तानिया, तानिया पता नहीं जितनी देर से क्या बात कर रहा है, कम से कम रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देती हूँ। हीर, कितनी एक्साइटेड लग रही है ना? जीते सुनना। हाँ जी। बस दो मिनट। ओ हीर जी, फैक्ट्री में ना मीटिंग है, उसके लिए तैयारी करनी है।
जीते, लेकिन बहुत अर्जेंट है। अच्छा बोलो। एक लड़की के बारे में बात करनी है। ओ पुत्र, बहुत अच्छा किया जो तूने लड़की की बात छेड़ ली। मैं भी सोचूं, इतना सोना गबरू जवान और किसी लड़की के साथ इसकी बातचीत नहीं, क्योंकि ना मैंने कभी इसे फोन पे बात करते देखा है, ना मैंने इसे मैसेज करते देखा है। और एक बात बता, ये सिर्फ मेरे सामने शरीफ बनता है या लड़कियों से सचमुच शर्माता है? पापा जी, बचपन से ही ऐसा ही है, लड़कियों को देख के ही ना नई नवेली दुल्हन बन जाता है। नहीं अंकल जी, मैं किससे नहीं शर्माता। एंड द काका जी, उस दिन मैंने क्लाइंट मीटिंग में देखा था, एक फीमेल आई थी और इस बंदे की नजर जमीन से ऊपर उठी थी। अंकल जी, ऊपर कैसे देखता, उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। देख लो पुत्र, अब पता मुझे क्या लगता है कि इसके लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मुझे तुझे देनी पड़ेगी। अंकल जी, कोई लड़की वड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, और मैं जैसा हूं ना और बिल्कुल वैसा ही ठीक हूं। जीते, शर्मा आ गया। पिछली बार भी तानिया के साथ डेट पर जाने के लिए इतना कतरा रहा था, पता नहीं इस बार मानेगा या नहीं। अरे बच्चों, सनी सिमरित इधर आओ दादी के पास। भाई तुम ये लूडो और सांप सीढ़ी खेल खेल के बोर नहीं हो गए? आज दादी तुम दोनों को ना एक नया गेम सिखाएगी। देखो, दादी ने ना सारे घर के कोनों में एक एक तोहफा छुपा के रख दिया, ठीक है? और ये जो पर्चियां है ना, इन पर्चियों में सुराग है उस तोहफे तक पहुंचने का। तो जिसके पास जो पर्ची आएगी वो इस सुराग के जरिए उस तोहफे तक पहुंचेगा, और जिसको तोहफा पहले मिल गया तोहफा उसका। चलो दोनों ना ऐसे ऐसे कर, आप दोनों एक एक पर्ची उठा लो। एक एक उठाओ। हाँ, अब जाओ ढूंढ के आओ, जाओ जाओ, जो पहले पहुंचेगा तोहफा उसका। ये मैं तो सिमरन से पहले पहुंच जाऊंगा गिफ्ट तक। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ ढूंढो, देखते हैं पहले कौन जाता है। इन्नी फाइलां, इन्ना काम, ये हर चीज अंग्रेजी च क्यों होती है? जीते, ओ हीर जी, मेरे लिए काम करेगा? हाँ जी, क्या काम है जी? बिना कोई सवाल पूछे जैसा मैं कहूंगी वैसा कर सकता है? ओहीर जी, आप हुक्म करो, आपके लिए जान भी दे दूं। राजा वे। क्या? मेरा मतलब है हीर जी, बचपन से आपका हुक्म मानता है, मजाल है वो आपकी कोई बात टाली हो कभी। और वैसे भी हीर जी, हमारी दोस्ती का उसूल है कि कोई भी सवाल करेगा उसका जवाब नहीं मांगा जाएगा। तो ठीक है, दोस्ती के खातिर तुझे शाम 7 बजे तैयार होके इस एड्रेस पे पहुंचना है। इतनी सी बात? ठीक है जी। तेजी दीदी को भी बता देती हूँ, शाम 7 बजे तानिया को इसी एड्रेस पे भेजने के लिए। मेरे नसीब में तो शायद प्यार लिखा नहीं है, लेकिन कम से कम इन दोनों को प्यार का एहसास तो हो जाए। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता लखविंदर, है? तनख्वाह किस बात की लेते हो तुम लोग? और मैं नहीं आ सकती ना? ठीक है फिर, होता है नुकसान तो हो जाए। रखो फोन, मेरा दिमाग ना खाओ। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओ, खेतों में ना मैंने निकम्मों की जमात इकट्ठी करके रखी हुई है, मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं इन निकम्मों का। अब तू ही बता, हर बार तो घर वाले नहीं जा सकते ना खेतों पे, अब आज जनरल भी नहीं है, तेजी के पास वक्त नहीं है, मुझे बड़े जरूरी काम से यहीं रुकना पड़ेगा। और आज अगर घर का कोई बंदा नहीं गया ना खेतों में, तो बहुत बड़ा नुकसान करना है इन निकम्मों ने। पर की करा, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा,
मम्मी जी, क्या मैं वहां जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हूँ? जी, मैं भी तो किसान की बेटी हूँ ना, सारी उम्र खेतों के ही मसले सुलझाती हुई आई हूँ। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझती हैं। कुड़िए, अपने परिवार का हिस्सा तो मैं तुझे कभी नहीं बनने दूंगी। और जहाँ तक बात रही खेतों की, तो ठीक है, देखती हूँ क्या कर पाती है तू। जा कर जाके खेत में काम करने वालों से बात, समझौता कर पाए तो। मम्मी जी, अब फिक्र मत कीजिए, मैं प्रॉब्लम ठीक कर दूंगी। वदिया, वो लेट हो गया। हीर जी पता नहीं कहाँ भेजना चाहती हैं। पढ़ लूँ पहले? नहीं, वापस आके पढ़ लूँ। तमाशा तो अब होगा जब ये जीता तानिया से मिलने की बजाय हीर के साथ खेतों में पाया जाएगा। हाय रब्बा, स्वाद आ जाएगा। हीर जी भी पता नहीं कहाँ भेजना चाहती है मुझे। पता नहीं क्या होगा वहां, रब जाने जीता कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं मेरा सरप्राइज जीते के लिए शौक ना बन जाए।